सत्र के हमारे अध्यक्ष है श्री अश्विन भाई शाह, विषय लेंगे डॉक्टर कपिल जी कपूर। परिचय करवाता हूँ, श्री अश्विन भाई शाह भारतीय विचार मंच के ट्रस्टी है, कर्णावती में आपका निवास है, अपना निजी व्यवसाय है। डॉक्टर कपिल जी कपूर 1940 में जन्मे श्रीमान कपिल जी प्रसिद्ध लेखक, चिंतक, विचारक है, भाषा विज्ञान तथा साहित्य के तज्ञ हैं। 2005 में JNU से निवृत्त हुए। श्रीमान कपिल जी वहाँ डीन तथा प्रो विसी के नाते रह चुके हैं। भाषा का मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, 19वीं सदी की ब्रिटेन की समाज रचना, भारतीय बौद्धिक परंपरा आदि विषय उनकी रुचि तथा शोध कार्य के विषय रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में 41 छात्रों ने PhD तथा 36 ने MPhil किया है। 2012 में 12 खंडों में प्रकाशित एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, इंडियन नॉलेज सिस्टम तथा डायमेंशंस ऑफ पाणिनी ग्रामर आदि आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस सत्र का विषय है मानस की परतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता के अवलंबन, पैरामीटर्स ऑफ कॉलोनाइज्ड माइंड, हाउ टू डी सब्जगेट द माइंड। मैं डॉक्टर कपिल जी कपूर से विनती करूंगा विषय हमारे सामने रखें। नमस्कार। इतने गणमान्य और सम्मानीय व्यक्तियों के बीच में, इतने विद्वानों के बीच में, इतने भारत के प्रति समर्पित लोगों के बीच में मुझे बुलाने के लिए, मुझे यहाँ आने का मौका देने के लिए मैं भारतीय विचार मंच को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे कई बार, ये मैं आगे भी कह चुका हूँ कि मुझे हमेशा लगा कि मुझे जीवन में जो मुझे मिलना चाहिए उससे हमेशा अधिक ही मिला है, और ये भी वही है। ये तो ऐसे सम्मान मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा मेरे में है कि मुझे इतना सम्मान दिया जाता, परंतु आप सबका प्रेम, धन्यवाद आपको। आज का ये जो अभी हमने पहले सत्र में जहाँ श्रद्धेय भागवत जी और श्रद्धेय सोनी जी थे यहाँ, और अपने श्रद्धेय सम्मानीय दत्तात्रेय जी भी थे, इनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा है सबके। और हमेशा की तरह सोनी जी जब बोल लिए तो मैं अपने मित्र से पूछ रहा था कि अब मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि इनसे ही सीखी हैं बड़ी बातें, बहुत बातें, सोचने का ढंग, अपना तर्क रखने का ढंग। मैं उन 2001 में शायद पहली बार इस विषय के ऊपर इसी प्रदेश में हेमचंद्राचार्य जी की नगरी पाटन में बोला था, 2001 में। और उसके बाद 2013 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन दिल्ली में दोबारा इसी विषय पे बोला था। मैं उन दोनों को देख रहा था और एक तो मुझे लगा कि जो पहला बोलना था पहले प्यार की तरह वही सबसे बढ़िया था, और दूसरी बार जब बोले तो उसको कुछ दिखाने के लिए जोड़ रहे हैं उसको थोड़ा जटिल कर दिया, पर महत्व कम हो गया। एक बात मेरे दिमाग ध्यान में आई कि उन दोनों वक्तव्यों में शायद उस वक्त ठीक था कि ऊपर ऊपर की बातें जो तह पे, सतह पे हमको नज़र आती हैं, कि हमारे आम आचार व्यवहार में कि जैसे हवाई टिकट कटाएंगे तो अंग्रेजी में कटाएंगे, गाड़ी की टिकट लेंगे तो हिंदी बोल के करेंगे, छोटी दुकान पे जाएंगे तो अपनी भाषा
मॉल में जाएंगे तो अंग्रेजी बोलेंगे, इस तरह की जो व्यवहार आचार बना हुआ था, और भी ज़्यादा गहरी बातें भी सोच में, जो सोच में हमारी सोच में जिनकी गहरी पैठ हो गई है उनको ध्यान में रख के। परंतु मुझे ये लगा कि ये जो परतंत्र मानस, मतलब स्वतंत्र नहीं है, ये जो परतंत्र मानस, इसकी जो मूल तय कहाँ पे है? ये सिर्फ आचार व्यवहार में है, हमारे कार्य में है, हमारे ध्येय में है सिर्फ, कि उसके पीछे, इन सब के पीछे कहीं पे जाके एक सोच, एक दूसरी मान्यताएं या दूसरी सोच बैठ कर जाती है, जिसके कारण हमारा अपना जो चित्त है, तो मैं सोचा कि माइंड का ट्रांसलेशन मानस किया, पर माइंड तो वेस्ट में माइंड एंड हार्ट, ब्रेन माइंड एंड हार्ट, खत्म हो जाती है बात। पर हमारे यहाँ मन जो है, मन वो एक पांच स्तरीय सोचने की जो विधा है, जिसे पंचकोश भी कहते हैं, उसमें मन एक कोटि है। तीसरी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, फिर मन है, फिर बुद्धि है, और फिर चित्त है। उसके साथ साथ चलता है अन्नमय कोश है, भौतिक, प्राणमय कोश है, जीवन वाला जो देता है। उसके बाद मनोमय कोश है, मन संकल्प विकल्प करता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। उसके बाद बुद्धि है, जो विषयक निर्णय करती है, विषय इंद्रियों का विषयक निर्णय करती है कि मेरे लिए ये अच्छा है, मैं ये करूँगा। और जो चित्त है वो इष्ट निर्णय करती है कि ये जो मैं अनुभव कर रहा हूँ या मैं अपने कर्म से, कार्य से जो सीख रहा हूँ, वो मेरे लिए इष्ट है कि अनिष्ट है। चित्त में जो भी एक एक बूंद करके हमारा अनुभव जाता है, वो हमारे चित्त को एक रूप देता है, आकृति देता है। और हमारा चित्त आम व्यक्ति का चित्त जो है, वो एक डबल रोटी के टुकड़े की तरह होता है, जिसमें कितने ही निशान पड़े होते हैं अनुभव के, जिंदगी के। इसलिए जब कोई योगी या कोई महान चिंतक या कोई साधक या कोई ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत बड़ा कलाकार, जब कोई कुछ करता है तो वो अपने उस चित्त को बिल्कुल साफ, निरोध करके, उसका वृत्तियों का निरोध करके चित्त को साफ करके करता है। तो जो हम लोग हैं, मैं हम लोग इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो उपनिवेशिकता या परतंत्रता जो ये है, सबजुगेशन है, ये मैं सोचता हूँ अब कि ये ज़्यादा अनपढ़ लोगों की है। मेरी डेफिनेशन अनपढ़ की थोड़ी दूसरी है। जो पढ़ लिख गया वो अनपढ़ हो गया, जो ये शिक्षा जिसने प्राप्त कर ली वो अनपढ़ हो गया, वो अपने आप से कट गया, अपनी जड़ों से कट गया। उसका जो मूल स्व है वो ढक गया। उस जो वो आदिशंकर कहते हैं ना कि सूर्य बादल जो है वो सूर्य बनाता है, सूर्य की गर्मी से बादल बनते हैं, जब बादल बन जाते हैं वो फिर सूर्य को ढक देते हैं। तो जब हमारा अहंकार इस अहम का आकार, हमारा जो अहम है उसका जो आकार, तो
तो ये सारे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, ये अहम का आकार है, यही हमारा आकार बनाता है अहम का। इसलिए हमारी जो चित्त भूमि है वही हम हैं, और उस चित्त भूमि से जो हमारी कार्यशीलता बनती है करने की, उस कार्यशीलता से जिस कर्म की तरफ हम प्रवृत्त होते हैं और उस कर्म से जो हम कार्य करते हैं उन सब का उद्गम स्थान जो है, उद्गम स्थान वो हमारी चित्त भूमि है। हमारे यहाँ मानते हैं कि चित्त भूमियाँ भी पांच प्रकार की चित्त भूमियाँ होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और चित्त मूढ़ विक्षिप्त और एकाग्र और निरुद्ध। ये मैं सोचता हूँ कि ये इसका कुछ संबंध है इस हमारे विखंडित चित्त भूमि से, जो पढ़े लिखे लोगों की जो विखंडित चित्त भूमि है। हम कभी कहते हैं कि भाई हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, हम बड़े डिसअपॉइंट हुए जब ठाकुर जी ने वो जजमेंट दिया कि ये तुम एक जानवर को बचा रही हो। वो जो लॉयर, वो जो दिल्ली की हैं, उनको मैं पसंद नहीं करता, पर उन्होंने एक टाइगर जो मांसाहारी, वो जो मनुष्य को उसने मारा नहीं था पर इंजर किया था, तो उसको पकड़ लिया गया और एक साल उसको जू में रखा। तो वो कोर्ट गई कि इसको छोड़ दिया जाए वापस। तो जज साहब ने कहा कि तुम एक जानवर को लेके ये बात कर रही है, हमें चिंता इंसानों की है। अब ये जो विचार है कि इंसान का हक जानवर से ऊपर है, ये हमारे विचार नहीं, हमारा नहीं है, ये हमारा दर्शन नहीं है, हमारा दर्शन नहीं है। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, मतलब अभी सोनी जी ने इतना बताया कि हमारे यहाँ घर में जो गृहिणी होती है वो परिंदों को खिलाएगी, रोटियाँ बनाएगी, एक जानवर के लिए बनाएगी, गाय के लिए बनाएगी, बीमार को खिलाएगी, बड़े बूढ़ों को खिलाएगी, बच्चों को खिलाएगी, फिर खाएगी। तो ये जो विधा है, ये जो सिद्धा है, इसमें हम इंसान में और दूसरे जीवों में भेद नहीं करते। ये हमारा बहुत बड़ा प्रवृत्ति भेद है उस संस्कृति से जिसका हमारे पे प्रकोप है और जिससे हम सोचते हैं कि हमको मुक्त होना है। और भी बहुत हैं, मैं उस पे आऊँगा। तो ये जो हमारा जो चित्त है, चित्त, ये ऊपर की बात नहीं है। हम क्यों ऐसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, हम क्यों चाहते हैं कि हम दिखावा करें, लोगों को पता चलना चाहिए, हम गाड़ी का मॉडल नया रखना चाहिए, ये सब जो हमारे कार्य हैं ये कहाँ से निकलते हैं? वो जो निकलते हैं ये नहीं है प्रूफ के भाई हम अब उपनिवेशिकता, हम कॉलोनाइज हो गए हैं। इसका मूल अंदर तह जो है वो हमारे चित्त में जो बैठा है, इसलिए इसको निकालना, उसको हटाना इतना आसान नहीं है। ये मुझे ध्यान आता है कि एक बार कभी ध्यान आया था कि जितनी सभ्यताएं हैं उनमें यूनान की सभ्यता तो माइंड की, दिमाग की सभ्यता थी, और जिन्हें उनके इतने गैलेक्सी ऑफ थिंकर्स, पोएट्स है ना, उसको बनाया सोल्जर्स ने, सेलर्स ने, और लोग कहते हैं कि उसको नष्ट किया वहाँ के फिलोसोफर्स ने, जब फिलोसफी करने लग गए। रोम सर ने एग्जांपल दिया कि रोम ने जब कांकर कर लिया, तब तक वो स्पार्टा नहीं था, जहाँ जो बच्चा लड़का अगर लगता था कि ये बड़ा होके
जवान नहीं होगा तो उस बच्चे को नदी में बहा देते थे। एक एक स्पार्टा का जो वॉरियर था वो ऐसा था कि तो जानते हैं कि लियोनिडास बड़ा इंडियन नाम लगता है, लियोनिडास। एक यूनान का लेजिस्लेटर है चरणदास, तो लोग बड़े हैरान होते हैं और वो आगरा जाके बहस करते हैं। तो ये सब लोकश्रुति है क्या? आगरा आग्रह है पहला शहर, ये आगरा भी आग्रह है और ये नाम प्रचलित थे वहाँ। तो उस सभ्यता में, उस सभ्यता के जो सभ्यता का आधार था, सर ने शायद यूज़ की आधार शब्द का में आलम्बन जो उसका मूल आधार है वो माइंड था। माइंड एनॉर्मस बॉडी ऑफ लिटरेचर। थोड़े साल रही यूनान की सभ्यता, बहुत साल नहीं रही क्योंकि क्रॉस रोड्स पे थी, छोटी ज़मीन थी, पॉपुलेशन कम थी, इधर से भी हमलावर आते थे उधर से भी आते थे, तो मिट गई। परंतु आभार की दूसरी सभ्यता टाइप सभ्यता जो है वो है आचार की, कॉन्डक्ट की, चाइना की जैसे पुरानी सभ्यता थी, कन्फ्यूशियस, लाओत्से वगैरह वगैरह। भारत की जो हमारी जो परंपरागत सभ्यता थी वो अध्यात्म की सभ्यता है, अध्यात्म की। अब अध्यात्म की सभ्यता में जैसे एक मोटी बात है कि वो लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर, है ना, इडियम में उनका मेटाफर है नॉलेज इज पावर। हम लोग कहते हैं नॉलेज इज ए प्यूरिफायर, गीता में है, जितना जितना पवित्र आपको ज्ञान करता है अग्नि भी नहीं कर सकती। तो नॉलेज इज पावर उनका मेटाफर है, नॉलेज इज प्यूरिफायर। तो हम अध्यात्म की सभ्यता में हम अपने ऊपर नियंत्रण बनाते हैं, अपने को नियंत्रित करते हैं, दूसरों को नहीं। हम पावर शक्ति दूसरों को सब्जुगेट करने में नहीं लगाते, अपने को करने में लगाते हैं। अध्यात्म की सभ्यता जिस सभ्यता का अब हम अनुकरण कर रहे हैं, जिसके हम गुणगान करते हैं, जिसकी मूल प्रकृति को सर ने बताया कि रेड इंडियंस को ख़त्म कर दिया, 37 मिलियन मैक्सिकन थे, 1 मिलियन रह गए, बिलियंस ऑफ बाइसन्स कैनेडा के मार डाले, अब उनका बाइसन जो है वो स्टफ्ड कहीं मिलता है म्यूजियम में, और पुरानी बात नहीं है 40 से 45 पाँच साल में 50 लाख यहूदियों को मार डाला फैक्ट्रियां लगा के, उस सभ्यता का हम अनुकरण करते हैं और उसको हम प्रशंसा करते हैं कि ये बड़ी देखिए मॉडर्न मॉडर्निटी है ना सभ्यता है। ये सभ्यता जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं, अगर यूनान की माइंड की थी, चाइना की कॉन्डक्ट की थी, आचार की थी, हमारी अध्यात्म की थी, ये सभ्यता पेट की सभ्यता है, स्टमक की। जो चर्चाएं होती हैं पार्लियामेंट में होती हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर, सब पेट और खाना लूटना, अपने को समृद्ध करना, अपने को इंडल्ज करना, अपने को उसमें सुविधा में रखना, उसकी है। और ये जो सभ्यता है जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं, इसका जो इसके जो दर्शन है, सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो दुनिया में दो ज्ञान की संस्कृतियां हैं, सिर्फ दो, एक तो सर ने जिसे सेमाइटिक कहा और एक वैदिक। सेमाइटिक में जब हिंदुइज्म के एनसाइक्लोपीडिया का मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा था, प्रकथन लिख रहा था, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि अब्राहमिक कहें, हेब्राइक कहें, सेमाइटिक कहें, तीनों पे कुछ वहाँ के रबाइज ने या क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर्स ने उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आप ये नहीं कह सकते, कैसे कहेंगे, क्योंकि वो ठीक नहीं बैठती जोड़ी। सेमाइटिक रेस है, वैदिक रेस नहीं है, अब्राहमिक व्यक्ति है, वैदिक व्यक्ति नहीं है। हमारी टर्म बड़ी क्लियर है, हमारी जो संस्कृति है वो ज्ञान की संस्कृति है, वैदिक, वेद, विद, विद धातु देखना, विद से देखना, टू सी इज टू नो, विद से वेद, वेद ज्ञान, ज्ञान से बनी हुई सभ्यता वैदिक, ज्ञान की सभ्यता है।
तो जब पिट्रोडा जी ने नॉलेज कमीशन में लिखा कि अब हम भारत को नॉलेज सेंटर्ड सिविलाइजेशन बनाएंगे, तो बड़ी हंसी की बात थी। एक बार बेंगलोर में उस समय हुआ था, पिट्रोडा जी भी बैठे थे। हमने उनसे कहा कि भाई साहब, आपकी पूरी रिपोर्ट में संस्कृत शब्द आता ही नहीं, और आप इसको नॉलेज सिविलाइजेशन बनाएंगे। दुनिया की पहली पोएट्री हमारे यहाँ लिखी गई, प्रोज हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया के बौद्धिक ग्रंथों में जैसे अरिथमेटिक है, गणित है, ज्योतिष है, छंद है, सोशियोलॉजी है, धर्मशास्त्र, धर्म नियम है, ये सारे तो हमारे यहाँ बनाए गए शुरू से। और आप कहते हो अब हम नॉलेज सोसाइटी कैसे बनाएंगे, कंप्यूटर से और अंग्रेजी से। मैं सोचता हूं कि कुछ सालों में हम कहा करते थे कि अगर आपने हिंदुस्तान में अपने आप को विद्वान मनवाना है तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए और अंग्रेजी आनी चाहिए। कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों ही हमारे लिए घातक हैं। कैसे? अंग्रेजी 200 साल के बाद भी, अंग्रेजी पिट्रोडा जी खुद कहते हैं सिर्फ 1% लोगों को अच्छी तरह अंग्रेजी आती है 100 साल बाद, पर अब हम सबको अंग्रेजी पढ़ाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन करते तो कोई 50,000 साल लग जाएंगे नॉलेज सोसाइटी बनाते, और ज्ञान उसके थ्रू आएगा, क्योंकि भाषा, संस्कृति, आवाज़ और आपका जो मानस है उसका केंद्र तो भाषा ही है ना। और कंप्यूटर से डेमोक्रेटाइज कर देंगे ज्ञान को, सब लोग के पास ज्ञान पहुंचेगा। छोटी सी बात है कि सबसे लोकतांत्रिक ज्ञान बांटने का तरीका मौखिक है। जब एक मुरारी बापू भाषण देते हैं सुबह, या अवधेशानंद जी देते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, क्योंकि ज्ञान को अर्जन करने के लिए सिर्फ कान चाहिए। भगवान ने आंखों को बंद करने के लिए तो दिया हुआ है पर्दा, कान को बंद करने के लिए पर्दा नहीं है। अगर आपके कान खुले हैं तो आपको ज्ञान मिलता है, पर जब आपने पढ़ना लिखना लिटरेसी को माना कि लिटरेसी का मतलब है पढ़ाई लिखाई, तो आपने उन लोगों तक ज्ञान सीमित कर दिया जो पढ़ लिख सकते हैं। और जब आपने कंप्यूटर को ले आए तो आपको वो व्यक्ति सिर्फ ज्ञान लेंगे जो पढ़ लिख सकते हैं, जो कंप्यूटर की को चलाना जानते हैं, उसका कीबोर्ड समझते हैं, उसका प्रोसेसिंग समझते हैं, सर्चिंग स्क्रॉलिंग समझते हैं। तो ज्ञान तो सीमित हो गया। इनफैक्ट मशीनीकरण हमेशा दो बातें करता है। एक तो वो जिस समाज में या जिस देश में जनता बहुत है उनका नुकसान करता है, उनकी रोजी रोटी ले लेता है। एक वो जो होता है थ्रेशर 20 लड़कों की नौकरी ले लेता है। एक थ्रेशर उतने ही पैसे थ्रेशर को दे देते हैं जितने 20 को देने होंगे, पर उससे कहते हैं कि जल्दी हो जाता है और आसान है। परंतु जहाँ तो पॉपुलेशन नहीं थी यूरोप में, मशीन ठीक है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि गांव से यंग मैन नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, शहरों में जा रहे हैं, वो दूसरी अलग बात है। दूसरा मशीनों का क्या है कि जब एक टेक्नोलॉजी आती है तो कोई दूसरे प्रकार का ज्ञान लुप्त हो जाता है। ये मानना गलत है कि जैसे ही शिक्षा से हम कोई नया ज्ञान बाँचते हैं तो वो ज्ञान जो है एक समृद्ध करता है हमको। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को निकाल देता है, और जो ज्ञान लुप्त हो जाता है उसे हम जितना भी चाहें फिर वापस नहीं ला सकते। जैसे मोटी एग्जांपल है, जैसे वो ढाका की जो मसलिन बनती थी, जो एक मुंदरी में से थान निकल जाता था, अब आप नहीं बना पाएंगे। अष्ट धातु का मिश्रण अब नहीं बन सकता, तो जो ज्ञान चला जाता है। तो इस पूरे सिस्टम में मुझे एक एनेक्डोट याद आता है, क्योंकि अब 77-78 साल की आयु में बूढ़े आदमी, एक तो वॉकिंग हॉस्पिटल होते हैं, दवाइयाँ वाइयाँ जेब में,
और दूसरे हम एनेक्डोटल होते हैं, हमें क्योंकि अब हम आगे नहीं देखते, पीछे देखते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाहर एक जगह है लंका, वहाँ लोग सुबह बैठ के चाय पीते हैं। हम और हमारे मित्र अंग्रेजी के प्रोफेसर, हम भी गए, तो वहाँ बाहर एक बेंच के ऊपर उड़कू होके पैर रख के साफा बांधा हुआ खोए हुए एक व्यक्ति बैठे चाय पी रहे और खोए हुए। तो मेरे साथी ने मुझे कहा, प्रोफेसर साहब ने, कि देखो कितना साफ वातावरण है, कितनी शुद्ध हवा है, क्या बुरी बात है कि गंगा मैली हो गई। उस सज्जन ने एक बार देखा, चुप रहे। जब दो तीन बार उन्होंने ये कहा कि गंगा मैली हो गई, तो उन्होंने कहा, बाबूजी मैं कुछ बात कहूँ? अब ये देखिए, ये यूनेस्को के हिसाब से अनएजुकेटेड आदमी है और हम एजुकेटेड हैं, है ना? तो वो कहता है कि बाबूजी एक बात कहूँ, आपके अगर हाथ गंदे होते हैं तो आप किससे साफ करते हो? बोले जल से। जमीन गंदी हो जाए कैसे करते हो? जल से। जो भी गंदगी होती है उसको दूर किससे करते हो? जल से। जो जल सब गंदगी दूर करता है वो मैला कैसे हो सकता है? अरे, तो मेरे मित्र ओबेरॉय जी बोले, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था, देखिए ना कि अगर आप जाएं अश्वमेध घाट में तो फूल हैं, कई बार हड्डी भी होती हैं, तो कितना वो होता है सारा। उसने कहा, बाबूजी एक दत्तात्रेय हुआ करते थे, थे भी सर, हैं तो हैं, आप भी वही हैं। वो दत्तात्रेय जी माउंट आबू के पास रहते थे। दत्तात्रेय जी के 22 गुरु जो हैं, उनमें एक गुरु वायु है। वो वायु सुगंध और दुर्गंध दोनों को ले जाती है पर लिप्त नहीं होती, लिप्त नहीं होती। इसी तरह बाबूजी गंगा जी ये सब गंदगी ले जाती है पर गंगा मैली नहीं होती, लिप्त नहीं होती। अब हमारे प्रोफेसर साहब तो थोड़े पजल हुए, बोले नहीं, हम ये कहते हैं, देखिए ना, कोई नहाने जाता है तो वो देखता है ये सब, तो वो उसका फिर वो कैसे नहाएगा? कहते बाबूजी आपको किसने कह दिया कि लोग जल में स्नान करते हैं? लोग अपने ध्येय में स्नान करते हैं, उनको गंदगी नहीं दिखती। अब देखिए साहब, ये आपके सामने विखंडित एक खंड उधर, जो अपनी परंपरा में पैठ है जिसकी, बैठा हुआ है, उसे कोई चिंता नहीं कि दिन भर रिक्शा चलाऊंगा, 20-25 रुपए कमाऊंगा, हाँ, उसे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। एक आपको और उदाहरण देता हूँ, 77 की बात है, हम केदारनाथ जा रहे थे उन दिनों में, क्षमा करिएगा, हम भी सिगरेट पीते थे, तो विल्स नेवी कट पीते थे, लाल बॉर्डर वाली, हमारे और हमारे मित्र थे, वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारे सिगरेट ख़त्म हो गए। अब वहाँ कहाँ मिलेगा, पहाड़ में केदारनाथ की खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, रामबाणा निकल गया, अब तो वहाँ ही नहीं, भोले बाबा ने सब साफ कर दी गंदगी वहाँ की। तो वहाँ एक छोटा गांव, गांव के 5-7 गांव, 5-7 हट हैं, एक बाहर एक सज्जन बैठे ऐसे लगी हुई, उसमें सिगरेट, और वो विल्स नेवी कट हमें इतने इतने बड़े नज़र आने लगे, क्यों कि कोई 4-5 दिन से नहीं लिए थे। तो उनके पास 7-8 पैकेट थे, हमने कहा भाई साहब ये दे दीजिए, कितने पैसे? उन दिनों में रेट था 2.25 रुपये, दिल्ली में भी 3 रुपये से कम में नहीं मिलता था। तो हमने कहा अरे 2.25, 2.25, उनका जी 2.25 रुपये, हमने कहा अरे 2.25 में तो दिल्ली में भी नहीं मिलती, आप ट्रक से आता है, फिर आप पीठ पे लाते हो, खच्चरों पे आता है, आप 5-10 रुपये तो ले ही सकते हो। क्या बोले? ये वही यूनेस्को अनएजुकेटेड, क्या बोले? बाबूजी इतने में गुजारा हो रहा है। अब देखिए, अब गुजारा हो रहा है, फ्रीडम फ्रॉम वांट, ये हमारा दर्शन है। साधु इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए, इतना ही। और जो दूसरा दर्शन है उसमें फ्रीडम फ्रॉम वांट नहीं, फ्रीडम टू क्रिएट सरप्लस, जितना आ सके, जितना उपार्जन कर सके कर लें। तो ये दो दर्शन सोनी जी ने बड़े विस्तार में बताया है,
तो उसी उसी संदर्भ में मुझे कुछ ये याद आए तो मैं बता रहा था। अब देखिए, ये तो क्लियर है कि दो धाराएं, जब दो सिविलाइजेशंस मिलती हैं तो जैसे दो नदियां मिलती हैं तो थोड़ी देर तक एक का रंग दूसरे पे चढ़ जाता है। आप अगर देवप्रयाग जाएं तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। भागीरथी नीली हैं, अलकनंदा हरी हैं। और जब पहले मिलती हैं तो वो दो धाराएं बिल्कुल साफ, नीला पानी और हरा पानी, थोड़ी देर बाद जाके एक रंग जो है वो प्रिवेल करता है। तो जब सर ने कहा कि पहले भी यूनानी लोग यहाँ आए, यूनान के लोग आए, पर उन्होंने हमारे हमारे चित्त को विखंडित नहीं किया, क्योंकि एक तो उनके साथ युद्ध तो हुआ परंतु बौद्धिक स्तर पर आदान प्रदान हुआ यूनान के साथ। उन्होंने अपने को बौद्धिक रूप में हमारे से ज़्यादा उन्नत नहीं माना, श्रद्धा थी उनकी इस देश के ज्ञान के लिए। इस्लाम इस्लाम आया, इस्लाम एक दूसरी संस्कृति, ग्रीक यूनान की संस्कृति ज़्यादा अलग नहीं थी। तो वही उनका जो दर्शन है, वैल्यू सिस्टम, वो बड़ा हमारा वेदांतिक की तरह ही है, हमारे शास्त्रों की तरह। परंतु इस्लाम तो दूसरी संस्कृति थी। पर इस्लाम के साथ कुछ ऐसा हुआ, उनका जो उनकी जो कठोरता और जिस प्रकार उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को, हमारे आराध्य जो थे देवी देवता, मूर्तियां, मंदिर किए, तो उससे एक शत्रु भाव पैदा हो गया। वो शत्रु बोध रहा, चाहे हम बैटलफील्ड में हारे या जो भी हुआ, पर शत्रु बोध रहा। इसलिए अपने आप को, हम अपने आप को बचाए रखें। और दूसरा, उनके पास इतनी बौद्धिक संपदा नहीं थी आई, क्योंकि वो ज़्यादा देश के ऊपर कंट्रोल करने में लगे रहे कि उन्होंने अपना कोई बौद्धिक, बल्कि अगर आप दारा शिकोह का एग्जाम्पल देखें तो उन्होंने हमारे देश के दर्शन संस्कृति से ज़्यादा सीखा। पाणिनी के व्याकरण का पर्शियन में अनुवाद पहली सेंचुरी में हुआ था, और पूरा अरब व्याकरण भारतीय व्याकरण से ही। इसी तरह जो एविसिना का मेडिसिन था, वराहमिहिर के साथ अरब के एस्ट्रोनॉमर्स आके उज्जैन में बातचीत करते थे, तो उनका एक उनके मन में भी है। इसलिए उन्होंने हमें ज़्यादा विखंडित नहीं किया बौद्धिक रूप पे या चित्त के रूप पे। परंतु अंग्रेजों के आने से शस्त्र और शास्त्र दोनों से हम दब गए, शस्त्र से भी और शास्त्र से भी। और कुछ और उस वक़्त ऐतिहासिक ऐसी थी कि हमारे ही लोगों ने उनका साथ भी दिया, क्योंकि हमारे लिए कौन बड़ा शत्रु है वो एक विषय बन गया, इसलिए हमने साथ भी दिया। पर शस्त्र शास्त्र से दबना, और उसका प्रभाव ये हुआ कि हमारा जो 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 वो समाज का जो अंग था, जो हमारे ज्ञान को बचाए रखता था, पंडित परंपरा, वो जो पंडित थे, जो कि एक पांडुलिपि को सोने और हीरों से भी ज़्यादा कीमती मानते थे पांडुलिपियों को। हमने 2002-04 में पांडुलिपि मिशन में हमने पांडुलिपियाँ इकट्ठी करनी शुरू की देश में। कोई नहीं बताता था कि मेरे पास पुरानी पांडुलिपि है, गांव वाला, कोई और बताता था कि वो पंडित जी के पास हैं, तो बड़ा समझाने बुझाने पे कहते थे हाँ है, पर दिखाऊंगा नहीं। उनको डर होता था कि ये ले जाएंगे, आप उनका सोना ले जाइए, पर पांडुलिपि नहीं देते थे, ज्ञान नहीं देते थे आप। वही पंडित 19वीं शताब्दी के शुरू में आते आते उनके बच्चे इस पाश्चात्य जो तीन ई बनी, इंग्लिश,
एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट उसका जो उसकी जो चमक थी कि नौकरी मिलती है पैसा मिलता है रोजी रोटी मिलती है वही पंडितों की संतान ने संस्कृत का अध्ययन छोड़ के इसका अध्ययन शिक्षा जो दूसरी शिक्षा नीति ये हम मैं उसमें नहीं जाऊंगा किस प्रकार एडम्स की रिपोर्ट थी मैकॉले की रिपोर्ट थी पर मैकॉले को मानते हुए उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में मैकॉले ने कहा था कि भारत में 257,000 पाठशालाएं हैं 257,000 और भारत में लिटरेसी 97% है उस वक्त 97% तो प्राइम मिनिस्टर आप हाउस ऑफ कॉमन्स का पढ़ लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा 257,000 स्कूल और हमारे 200 स्कूल 97% लिटरेसी हमारी 17% लिटरेसी तो कहते इसलिए मैकॉले ने कहा मैं कहता हूँ एक मैकॉले ने और बात कही पूरा देश घूमा हूँ यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते चोरी चकारी नहीं करते इसलिए अगर इस देश पे राज करना है तो इसकी जो संस्कृति है जो इसकी शिक्षा के थ्रू जाती है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा इसलिए आपको शिक्षा को रिप्लेस कर देना किया उसके कारण ये जो विखंडित हुआ उस पर अब देखिए मैं ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता मैंने फिर ये सोचा उन दो लेक्चर्स के बाद कि हमें बाह्य कार्य कर्म आचार व्यवहार को छोड़ के जो प्रवृत्तियाँ जो मूल प्रवृत्तियाँ जो हमने इस दूसरी संस्कृति से हमें दी गई और जो हमने ग्रहण की और जिनको ग्रहण करके हम अभी भी काफ़ी कई बार बड़ा हमें होता है प्राइड होता है कि देखिए हम ये जानते हैं हम वो जानते हैं आजकल जैसे हमारे आम बच्चे का ये बच्चा मेरा बड़ा दायक है कंप्यूटर जानता है ये प्राइड का मामला है अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं मुलायम जी ने 1991 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे उन्होंने कहा था हम अंग्रेजी अंग्रेजियत निकाल देंगे और हमने एक आर्टिकल लिखा था फ्रॉम मैकॉले टू मुलायम सिंह और वो आर्टिकल ट्रांसलेट भी हुआ यूरोप में भी एक बार हमें मिल गए हमने उन्हें कहा मुलायम सिंह जी आपको इतिहास दो बातों के लिए याद रखेगा बोले कौन सी तब वो पावर से हट गए थे वो सोनिया जी से मिल के वापस इटावा जा रहे थे तो बोले कि किस में मैंने कहा एक तो आपने सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया ये बहुत उन्होंने उस वक्त कहा था याद होगा आपको कि मैं वो कन्नौज के जो कौन राजा थे पृथ्वीराज के खिलाफ मैं उनकी लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता जिसने विदेशियों को संपदा दी तो मैंने कहा एक तो वो और दूसरा आपने कहा अंग्रेजियत को निकाल देंगे बोले भैया वो अब भी नाराज बैठी है आज भी मिलने गया था मिली नहीं मुझे और दूसरा कि अंग्रेजी तो घर घर में घुस गई मेरे नाती पोते भी अंग्रेजी पढ़ते हैं बोलते हैं पढ़ते हैं मैं और अमर सिंह गए पेरिस होटल में गए 2 घंटे बैठे रहे हम अंग्रेजी ढोए जाएं उनको समझ ही ना आए उन्होंने बाजार से एक आदमी ढूंढा जिसको अंग्रेजी आती है तब हमें कमरा मिला और हम अंग्रेजी ढोए जाते तो ये जो इसलिए मैं ये सोचता हूँ जब बाद में हम इस विषय पे आएंगे कि बदलना कैसे है आत्म साक्षात्कार जैसे सर ने कहा करना है पर आत्म साक्षात्कार आपको अपनी भाषा में होगा दूसरी भाषा से नहीं होगा आप जब तक आप अपनी शिक्षा का माध्यम शुरू से लेके उच्चतम स्तर तक भारत की मुख्य भाषाओं को सबको नहीं बनाएंगे तब तक आपको इस उपनिवेशिकवाद से मुक्ति नहीं मिलेगी मिल नहीं सकती क्योंकि हमें मैम आप किसी को पूछ लीजिए हम तो प्रोफेसरों को भी पूछते हैं कि भैया 5 आचार्यों की परंपरा है इस देश में बहुत बड़ी अद्वैत में 5 आचार्य नाम ले सकते हो कोई नहीं लेता अच्छा बोले अरे आदि हाँ शंकराचार्य बहुत बड़ा स्वामी सन्यासी था आगे कौन है रामानुज है ना पता मध्वाचार्य हैं नहीं पता निम्बार्काचार्य हैं नहीं पता वल्लभाचार्य हैं नहीं पता अगर जिनको गलती से पता भी हो नाम उन्हें पूछिए कि किस प्रकार उन्होंने अद्वैत सिद्धांत को आगे बढ़ाया कुछ नहीं पता
पर वो जो माइकल जैक्सन के बच्चों के नाम सबको याद है कि वो कौन है, वो कौन है। तो ये जब तक आप अपनी भाषाओं से शिक्षा नहीं देंगे, हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। अब मैं आता हूँ उन प्रवृत्तियों पे, प्रवृत्ति राधर देन कार्य कर्म। कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिन्होंने हमें विखंडित कर रखा है पढ़े लिखों को? मोटी मोटी काफ़ी सर ने मेंशन की हैं, तो क्षमा करेंगे कि मैं कुछ दोबारा उनकी बातें लूँगा। पहला चीज़ है सत्य, रियलिटी। इन्होंने जैसे कहा सेमाइटिक, दो नॉलेज कल्चर्स मैंने कही, हेब्राइक वैदिक। हेब्राइक में से तीन सिद्धांत निकले, यहूदी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, और वैदिक में से चार निकले, सनातन, जैन, बौद्ध और सिख। चार निकले, वो तीन निकले, चार निकले। मूल उनमें मूल विभेद है, इन दोनों में मूल विभेद है कि एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद, दूसरी तरफ बहु ईश्वरवाद। ईश्वर है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो कहना नहीं चाहिए, हमारी मिसेज वैष्णवाइट हैं पक्की, नाराज होती हैं। हम कहते हैं कैफेटेरिया अप्रोच है गॉड की तरफ। आपको एक मानना है ब्रह्म, दो मानने हैं राधे राधे, राधे श्याम, सीताराम, ज़्यादा मानने हैं 33 करोड़ देवता हैं, राम दरबार है, विष्णु दरबार है। आपने किसी को नहीं मानना, खुद बनाना है, नदी से पत्थर ले आइए, धन्ना भगत की तरह धोइए, रोइए, साफ करिए, उसको रोली रोज लगाइए, देखिए उसमें शक्ति आ जाएगी, प्राण शक्ति उसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। आपका अपना गॉड, वो भी छोड़िए, आप खुद गॉड हैं। सीरियल बुद्धा, 10,000 महात्मा बुद्ध के स्टैचू ईच, जैसे जैनी जैन मानते हैं, कुछ जैनी जीन बन सकते हैं, उसी तरह बौद्ध, हर एक में बौद्धत्व है। इसी तरह हम लोग जो हैं, हम तो वी आर स्पार्कल्स ऑफ द डिवाइन। हम उस सभ्यता की तरह, हम गिरे हुए इंसान नहीं हैं, फॉलन क्रीचर, जिनको उठाना पड़ता है, जिनका विकास करना है, जिनको हमें डेवलप करना है, जिनको हम थोड़ी लाइट डाल के अंधेरे से निकालना है। हम हमारी मान्यता में इंसान, आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो हम तो डिवाइन है, इसलिए हम तो डिविनिटी। इसलिए बात हो रही थी कि हमारे यहाँ वेद व्यास भगवान वेद व्यास, पाणिनी भगवान पाणिनी, कोई भगवान पाणिनी हो गए। तो ये जो सत्य है, देखिए हमारे यहाँ रियलिटी जो है इस सिस्टम में, मोनिस्टिक में, बहुत लंबा विषय है। मोनिज्म, मोनिज्म एक किस्म का टोटलिटेरियन सिस्टम होता है। एक ईश्वर, एक सच, एक सच, एक ही राजा, सब एक, और बाकी अदर। जो भगवान है, वो भगवान पे बाद में आएंगे, उनका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भगवान है। तो ये सत्य जो है, सत्य ये जो सृष्टि है, उसमें उस समेटिक में क्या है, टेरा फर्मा। आप उसकी ज्योमेट्री कहते हैं, आप काटिए बनाइए फर्म, आप उसको काट सकते हैं, रियलिटी सत्ता को काट सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे प्लेटो कारपेंटर का कहता है कि लकड़ी लेता है, काटता है, मेजर करता है, उसको जोड़ के फिर बनाता है। हमारे यहाँ जो सत्य, जो रियलिटी, इसको जो वो जो नोशन है, उसे मैं कहना नहीं चाहता, डेकार्ट का जो कार्टीजियन सेपरेटनेस, हर चीज़ अलग अलग है, अलग अलग आपको अलग अलग है वो, और अलग अलग चीज़ों का जोड़ जो है वो सृष्टि है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ ये सेपरेटनेस, अलगाव नहीं है, एक कंटिन्यूटी है। गौरी मिमाए सलिलानी तक्षति, ये रियलिटी समुद्र है। समुद्र में आप लाइनें नहीं लगा सकते, समुद्र को आप काट नहीं सकते। आप अगर एक लहर को पहचानते हो, तो जब कहते हो देखो कितनी बड़ी लहर है, तब तक वो लहर फिर जल हो जाती है। बुलबुला जब आप देखते हो, वो बुलबुला पानी में चला जाता है। ये पूरी जो ब्रह्मांड है, ये पल्सेटिंग मैटर है। इसमें ब्रह्म जो है, जिन्होंने भारतीय दर्शन 6 शास्त्र भी ध्यान से हम देखें, तो तत्वों में चलते चलते
जब सांख्य में पहुंचते हैं तो पुरुष और प्रकृति दो रह जाते हैं, वैशेषिक में 25 हैं, दो रह जाते हैं। और जब पुरुष प्रकृति के ऊपर हमारे ऋषियों ने मनन चिंतन किया तो उन्होंने देखा कि ये जो पुरुष एनर्जी है ये प्रकृति से अलग तो है नहीं, प्रकृति पुरुष तो प्रकृति में ही है। उस अवधारणा को उन्होंने ब्रह्म कहा, ब्रह्म एनर्जाइज्ड मैटर। सो पूरा ब्रह्मांड जो है ये एक किस्म का जैसे लहरों वाला, भौतिक लहरों वाला समुद्र है जिसमें आकृतियां शेप लेती हैं। हम आप सब आकृतियां हैं, आज से 100 साल पहले हम नहीं थे, 100 साल बाद भी नहीं होंगे, तो फिर हम हैं क्या? हम आकृतियां हैं जो इसमें लहर की तरह, बुलबुले की तरह निकली और फिर हम उसी में समा जाएंगे। तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारा इस रियलिटी की तरफ श्रद्धा का संबंध है। हमारा जो ब्रह्म है, हमारा ब्रह्म इसके बाहर नहीं है, गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स नहीं है, हमारी वो मकड़ी है जो अपने ही जाले में रहती है, अपने ही जाले में। क्योंकि ब्रह्म इसमें है इसलिए ये सब पुण्यात्मक है, सृष्टि पुण्यात्मक है, जीव पुण्यात्मक है, धरती पुण्यात्मक है, पशु पक्षी पुण्यात्मक है, सब सेक्रेड हैं। सेक्रेडनेस इसलिए है कि सब में ब्रह्म इनहेरेंट है, उधर ऐसा नहीं है। गॉड इज एन ऑब्जर्वर, उसने बनाया है। इसलिए सर ने जैसे कहा कि उसने कहा आई हैव मेड यू इन माय ओन इमेज, दिस फिश ऑफ द वाटर, फाउल ऑफ द एयर आर फॉर यू टू एंजॉय। ये जो मछलियां और जो परिंदे हैं इनको एंजॉय करो, एक्सरसाइज डोमिनियन ओवर देम, ड्यूटरोनमी ओल्ड टेस्टामेंट में, इसके ऊपर तुम राज करो। वो आज तक राज ही करने में लगे रहते हैं, कभी इधर बम्ब मार दिया, कभी उधर मार दिया, कभी लिबिया में घुस गए, कभी उस देश में घुस गए, क्योंकि दुनिया के भगवान ने उनको दुनिया का पुलिसमैन बनाया हुआ है, कॉन्स्टेबल, और उसके राज करना है उन्होंने सबके ऊपर। सर ने जैसे कहा कि अब देखिए एम्पायर्स रहे, भाषा के एम्पायर्स, आर्मी और मतलब सिपाही और प्रीस्ट या मौलवी या प्रीस्ट के सहारे एम्पायर बने। सोग्डियन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर था, फ्रेंच का एम्पायर रहा, अंग्रेजी का एम्पायर रहा, जहाँ जहाँ ये एम्पायर बने भाषाओं के, भाषा अंग्रेजी आई एज कॉलोनियल लैंग्वेज, इंटरनेशनल इंपीरियल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, परंतु उनका आधार फौज रही। भारत से फौजें कभी बाहर नहीं गई, भारत से विचार हमेशा बाहर गए। जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं, सिल्क रूट वॉज एन आइडिया रूट। बौद्ध दर्शन पूरे एशिया की परिभाषिक शब्दावली बन गई, पूरा बौद्ध दर्शन शब्दावली बन गई। तो ये इस देश की जो ये प्रकृति रही कि हमारी सैंक्टिटी बहुत, देखिए हमारा मेन अपोजिशन हमारे देश में क्या है, सेक्रेड एंड नॉन सेक्रेड, ओवरराइडिंग, सब कुछ सेक्रेड है। दूसरा विषय अभी इसको छोड़ के, भगवान की अवधारणा, एक गॉड है। जरा ध्यान से सोचें, स्पिनोजा कहते हैं हेब्राइक गॉड इज एन एंग्री गॉड। अब गॉड जो है वो तो वैसे निराकार है, हेब्राइक गॉड निराकार है ना, फॉर्मलेस, पर निराकार है पर निर्गुण नहीं है। ये एक इलॉजिक है, निराकार निर्गुण साकार सगुण, हमारा जो है निराकार, क्योंकि निराकार है पर सगुण है, इसलिए तीन सिद्धांत जो एक ईश्वरवादी हैं आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि एक ईश्वर है पर मेरा तुम्हारा नहीं, क्योंकि उसके गुण अलग हैं। तो वो भगवान जो हैं चालान काटते रहते हैं, ये गलत काम, हमको कन्फेस करना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, मर्सीफुल हैं। हमारे यहाँ ब्रज के लोग करें, हम कृष्ण के
कृष्ण हमारा, हम तो वह का घोड़ा बना लें, कृष्ण का भी घोड़ा बना लें, मित्र भाव है। ये बहुत बड़ा भेद है, क्योंकि वहां पे रनेसा में उन्होंने कहा कि अब हम भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, इंसान का करेंगे। परंतु हमारे हमारी संस्कृति में, बौद्धिक परंपरा में, हमेशा चिंतन इंसान का है, मानव का रहा, मानव का। हमारे छह दर्शन जिनको आस्तिक दर्शन कहते हैं, उनमें चार में भगवान तत्व है ही नहीं। योग में ईश्वर है और वेदांत में ब्रह्म है, और ब्रह्म ईश्वर नहीं है। और जो योग का ईश्वर है वो भी स्मृति ही इन ईश्वर, उसकी स्मृति नहीं है, स्मृति ही इन ईश्वर, ईश्वरा नास्ति। आई मस्ट रिमेंबर विद रेवरेंस पंडित भागवत शास्त्री जी पुणे के, जो दो वाक्य बड़े सुंदर बोलते थे, भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन गंगा प्रवाह, सनातन गंगा प्रवाह। जैसे नदी होती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, सिकुड़ जाती है, इसी तरह हमारी जो बौद्धिक परंपरा है वो सिकुड़ गई बीच में, सिकुड़ गई। परंतु जैसे मौसम बदलता है, वर्षा ऋतु आती है, तो नदी फिर यौवन में बहती है। वो वर्षा ऋतु का सीजन अब शुरू हो गया है हमारी ज्ञान परंपरा का। और इसमें ये भी बात है कि साधन के रूप में भगवान कोई ना कोई युग पुरुष तो भेजता ही है। आपने तो सुना होगा आम तौर पे कि अब आजकल आम लोग कहते हैं कि देखिए, एक भगवान ने भेज दिए हमारे पास एक प्रधानमंत्री, सारा देश। आप इमेजिन करिए कि अरुणाचल में जो हिंदी भाषा नहीं समझते वहाँ बोले, वहाँ भी जीत गए। मेघालय में कभी इलेक्शन भी नहीं लड़े थे, वहाँ भी जीत। एक व्यक्ति की जो आवाज़ है, उनका जो यहाँ से जो आवाज़ निकलती है, सरस्वती की कृपा से और तप की एनर्जी से, वो इस देश का जनमानस, ये देश एक देश एक भाषा या एक धर्म के कारण नहीं है, है ही नहीं। शुरू से हम बहुभाषी हैं, शुरू से बहुधर्म रहे यहाँ। परंतु इस देश का चैतन्य एक रहा, वो चैतन्य ज्ञान आधारित है, ज्ञान के केंद्रित चैतन्य है। इसलिए हमारा जो आम जनमानस है, वो ऐसी कुछ मोमेंट्स आती हैं हमारे देश में कि सब लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा, और वैसा ही सब करते हैं। और लोग सोचते हैं शायद ईवीएम खराब हैं, इसलिए ईवीएम खराब नहीं है। वो जो पढ़े, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस अंग्रेजी शिक्षा के विक्टिम नहीं बने, अनंत कुमार स्वामी जी लिखते हैं एजुकेटेड इंडियंस, फिर वो फुटनोट देते हैं, दिस इज हाउ विक्टिम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन आर डिस्क्राइब्ड, एजुकेटेड इंडियंस। तो वो जो नहीं है, उनका जनमानस एक है। आप, मैं तो इस देश में बहुत घूमा हूँ, गारो हिल से लेके केरला, आंध्रा के आदिवासी इलाकों में, हर जगह मैं तो जहाँ भी गया, भाषा नहीं आती, कुछ नहीं आती। वो जो प्रवृत्ति है कि ये बाहर से आए हैं, ये हमारी भाषा नहीं समझते, वो प्रवृत्ति सारे देश में सब लोगों में एक जैसी है। आप चाय की दुकान में बैठेंगे तो वो जो बेंच होगा साफ होगा, पर आपको बैठने से पहले एक बार फिर गमछा उठा के उसको पूछेगा कि आप बैठिए, फिर आपको पूछेगा क्या, वो डिब्बे दिखाएंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, फिर ये, फिर चीनी लाएगा, चीनी लेंगे, उम्र देखेंगे तो भाई शायद चीनी नहीं, चीनी पिएंगे। वो देखे जब हमको चाय देंगे, सब जगह मानिए सर, सब जगह यही व्यवहार देखा मैंने। वो आके थोड़ी दूर में खड़ा रहेगा, फिर आएगा जब पीनेंगे, कहेगा ठीक था, आनंद आया, फिर पूछेगा एक और, वन मोर, कुछ थोड़ा सा। यू सी दिस, के पी एस गिल पंजाब में थे, जिन्होंने आतंकवाद को ख़त्म किया था। बहुत कम लोग, वो शेर आदमी है, बहुत कम लोग होंगे जो अपनी ही कम्युनिटी के 8,000 यंग मैन को मार के एक अन्याय को ख़त्म करें। जब उन्होंने पहली बार मोगा की ट्रेन कटी हुई देखी, 61 बॉडियां लगाई हुई हैं, और देखा कि इतना खून बह गया कि वो पास नहीं जा पाए,
तो ही सेड, उन्होंने कहा, हमारे ICS CCS के लेक्चर में हमने उन्हें बुलाया था दिल्ली में, उन्होंने कहा मैंने अपने आप को कहा कि मैं इसको ख़त्म करूँगा। और उसके बाद दो दिन बाद उनको सिखाने के लिए एक गांव में हत्याएं की गई हिंदू परिवार में, और पुलिस वाले, ये संशय था उन्हें कि 18 को मारा कि 19 को मारा, क्योंकि एक लड़की गर्भवती थी, कहते मैंने काट के कर दिया, 19 को मारा, 18 को नहीं, 19 को मारा। और 8000 पुलिस वाले भी उतने ही मरे को मारे। KPS गिल एक बार JNU आए थे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इज इंडिया ए नेशन और नॉट, आपको भी बहुत बड़ा कि भारत एक नेशन है भी कि नहीं, अथर्ववेद तो किसी ने पढ़ा नहीं, भूमि सूक्त नहीं पढ़ा, कि ओ मदर अर्थ डिस्ट्रॉय दोज हु वॉन्ट टू सबड्यू माई राष्ट्र विद शस्त्र और शास्त्र, ये भूमि सूक्त में, अथर्ववेद में, कि राष्ट्र दो शब्द हैं, देश और राष्ट्र। देश राष्ट्र कैसे बनता है? देश राष्ट्र बनता है ज्ञानात्मक चैतन्य से। एक चैतन्यता जो ज्ञान से पैदा होती है, उससे ये देश जो ज्योग्राफिक टर्म है वो एक राष्ट्र बन जाता है। तो शस्त्र शास्त्र से दोनों से दब गए अंग्रेजों के ज़माने में। तो खंडित कैसे हुए? गॉड, आजकल आपको बहुत लोग मिलेंगे, अरे इतने मूर्ति पूजा, इतने देवी देवता, गॉड तो एक है, एक तो एक ही है, वो तो एक ही है। तो उसका दूसरा सेंटेंस सूफी बोला करते थे, कबूल कर लो, वो आजकल तो नहीं बोलते, मतलब एक ही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, सभी एक हैं। और ये इतना 19वीं शताब्दी में लिबरलिज्म के अंडर इतना अटैक हुआ हमारे धर्म पर, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग उनके साथ मिल गए, और उन राजा राम मोहन रॉय जी की इच्छा थी कि वो इंग्लैंड में दफनाए जाएं, और वो दफनाए भी गए वहाँ ब्रिस्टल में। द्वारकानाथ टैगोर जी उनकी बॉडी अस्थियाँ लेके निकाले, तो आके उनको अग्नि को नहीं दिया, विल्सन सिमेट्री में दबाए हुए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय जी ने ये सोचा कि हिंदू धर्म का रिफॉर्म नहीं हो सकता, क्रिश्चियनिटी अपनानी पड़ेगी। उनके जो डे थे फॉलोअर, उनने कहा नहीं, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, पर उसका जो स्ट्रक्चर है, एक गॉड, एक किताब, एक प्रीस्टली क्लास, वो हिंदू धर्म में भी होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई किताब है ही नहीं, हिंदू धर्म क्या है लोगों को ये भी समझ नहीं आता, तो इसलिए वो होना चाहिए। पति एक दूसरी धारा थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, जिसने अपने स्कूल टीचर थे, अपने पैसे से, राजा राम मोहन रॉय तो लिखते थे, लेक्चर देते थे कन्या का, क्योंकि 9-9 साल की लड़कियाँ विधवा हो जाती थी, जिसके अपने ऐतिहासिक कारण हैं कि जैसे ही लड़की गाँव में हिंदू लड़की होती थी तो उसे कोई जमींदार, दूसरे धर्म का जमींदार उनको उठा के ले जाता था, तो वो लड़कियों की शादी हिंदू जमींदार से करते थे। एक हिंदू जमींदार की 60-60 बीवियाँ होती थी, 9 साल से लेकर 70 तक। जब वो मरते थे तो उतनी ही सारी वो विडोज़ हो जाती थी, और उनको कुछ को तो उनके घर वाले देखते थे, कुछ इसी घर में दिखती थी, कुछ के साथ दुर्व्यवहार होता था। तब से ब्रज में ये आश्रम खुले कि वो वहाँ से वहाँ आती थी, तो ये वो कारण था ऐतिहासिक। पर राजा राम पर बिल्कुल एक हमारा बुरी एक समस्या थी जिसका उन्होंने लिखा, पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने पैसे से 1000 विडो लड़कियों की शादी करवाई। और सबसे बड़ी बात उनका एक ही बच्चा था, बेटा, उन्होंने अपने बेटे की शादी भी एक विडो से कराई। उनका नाम कोई नहीं लेता। उनका राजा राम मोहन रॉय, जिनके स्पिरिचुअल डिसेंडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, वो नाम उन्हीं का लेते हैं सब, राजा राम मोहन रॉय का। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि हम अपना तो रिफॉर्म कर लेंगे, तुम अपना भी तो रिफॉर्म करो। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में उनके धर्म ग्रंथों की जो क्रिटिसिज्म करी, गलती एक कर गए, बड़े बड़े व्यक्ति गलतियाँ कर जाते हैं, कि गुरु ग्रंथ साहब पे भी टिप्पणी कर दी, उससे आर्य समाज पंजाब में बट गई, और गुरु सिंह सभा की स्थापना इसी कारण हुई कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर गलत टिप्पणी की। मैं मानता हूँ मैं पंजाबी हूँ, मैं अमृतसर का ही हूँ, मुझे पता है कि वो गलत टिप्पणी है,
कि नानक शाह फकीर ने नया चलाया पंथ, इधर उधर से जोड़ के रच डाला एक ग्रंथ। अब ये जो बात थी इसे सिंह सभा बनी, सिंह मूवमेंट बनी, गुरुद्वारों से महंत निकाले गए और जो अलगाववाद पैदा हुआ बाद में ये आप सब जानते हैं। तो ये पूरा जो ये जो इस सभ्यता का जो हमारे ऊपर बौद्धिक प्रभाव पड़ा, उसका अपोनेंट स्वामी दयानंद को डे ने कहा कि अरे क्या स्वामी जी, क्या बुरी बात है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, नहीं तो आप अगर इंग्लैंड जाके भाषण देते तो कितना होता। कहते कितनी बुरी बात है कि आपको संस्कृत नहीं आती, आप अपने लोगों को तो समझा सकते, बाहर जाना तो और बात है, अपने लोगों को तो समझा सकते। तो ये भी एक बड़ा विषय है। 19वीं शताब्दी का जो लिबरलिज्म था इंग्लैंड के लिए अच्छा था, हमारे साथ उन्होंने क्या किया जिससे उभरते उभरते अभी भी हमें टाइम लग रहा है। तो हमारा भगवान तो फ्रेंड है, हमारा भगवान अपना धना भगत की पता नहीं हमारी फोक टेल्स। आपके इस प्रोग्राम में मैंने देखा है कि कल 2-3 स्पीकर हैं, एक द्विवेदी जी हैं और एक शायद सोनल मानसिंह जी हैं जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे बोलेंगी। भारतीयता में वापस लाने के लिए, भारतीय चिंतन में वापस लाने के लिए हमें अपनी लोक कलाएँ, हमारे लोक साहित्य, इनको केंद्र में लाना चाहिए और इनको अपनी शिक्षा का अंग बनाना चाहिए। क्योंकि हम नाट्यशास्त्र पे लेक्चर तो दे सकते हैं नाट्यशास्त्र पर जब सोनल मानसिंह जी दश अवतार का नृत्य करती हैं ना, तो वो दश अवतार सबको समझ आ जाते हैं, वो फैल जाते हैं। जब बी आर चोपड़ा ने महाभारत का सीरियल बनाया तो सारे हिंदुस्तान के लोगों को महाभारत की कथा का पता चल गया, क्योंकि श्रव्य प्रेक्ष, हमारे यहाँ जो चीज़ सुनी जाती है, जो देखी जाती है, उससे ज्ञान। हमारे यहाँ ये पुस्तकें पढ़ना, किताबें, कि हमें किताब प्रिस्क्राइब कर दी, इसलिए भाषा में भी लोग कहते हैं कि भाषा को कंपल्सरी कर दो। कंपल्सरी करने से तो आप भाषा का उद्धार नहीं करेंगे, आप भाषा को सक्षम बनाइए। भाषा सक्षम बनती है उसमें ज्ञान अर्जन करने से। अगर पंजाबी में गुरु एक पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं ने कुछ वाणी लिख दी तो पंजाबी भाषा सक्षम हो गई, पाली में बौद्धिक साहित्य बना तो पाली तो एक सक्षम भाषा हो गई। और अगर एक भाषा को अमेरिकन ने यूएसए ने मान लिया कि हम आपकी भाषा को भी मानते हैं एंट्रेंस टू द अमेरिकन यूनिवर्सिटी, इससे आज का लोग खुश होते हैं कि आप कोंकणी से भी हो जाता है, तो ऐसे कुछ नहीं होता। तो भाषा के द्वारा इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लोक साहित्य, लोक कला और भाषा। वेरी क्विकली, ब्रह्म की अवधारणा हमने बताई अलग है, गॉड से बिल्कुल अलग है। ब्रह्म का बड़ा एक विस्तार, एक से अनेक, सर ने जो बोला कि ये भर्तृहरि अपने दर्शन में भी, अपने वाक्यपदी में भी कहते हैं कि हम कहते हैं कि वो एक है बिल्कुल, है ना। तो फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ब्रह्म इन सब में है पर एक में नहीं है, ये नहीं मैं कह सकता बेरे में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं कह सकता कि सिर्फ इसमें है। अब ये क्या है? तो ये वो जो नित्यता, कुटस्थ और व्यवहारिक नित्यता का भेद करते हुए कि वो जो एक का अनेक में आभासित होना, आभासित का मतलब ये नहीं प्रत्याभासी प्रत्याभिक्ष जो दर्शन है वो गलत नहीं है। आभास, हमें उसका आभास होता है क्योंकि वो है। जैसे समुद्र की एक बूंद में भी समुद्र है, किसी भी बूंद में, और इसी तरह उसमें उस सब में है। पर ये काल की शक्ति है और काल की शक्ति से वो प्रकट होता है और फिर चला जाता है। तो ये बहुत अलग अवधारणा है और इसमें ना तो हमें देखिए, दो प्रकार की संस्कृतियाँ, शिकारी और शिकार, भक्षक और भक्ष्य, पारसी ज़ोरोस्ट्रियंस, हिंदू और पारसी, ये दोनों, और पेगन जो जिनको पेगन वो बुरे सेंस में कहते हैं, मतलब जो कई देवी देवताएं विलेज गॉड्स रखते हैं, ये भक्षय बने, ये शिकार बने। शिकारी संस्कृतियां
दो हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, और वो शिकार करते हैं। इसलिए जब सर जब इंटरफेथ डायलॉग शुरू हुए थे, वो भी सेमिनार्स आपने कहा ना, चार चार पाँच साल इंटरफेथ डायलॉग बहुत चला। हमने एक पेपर लिखा और पढ़ा, वो किसी ने नहीं छापा आज तक। हमने कहा इंटरफेथ डायलॉग हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइगर में और लैम्ब में डायलॉग नहीं हो सकता। जब तक टाइगर बहुत बूढ़ा ना हो जाए, उसके दांत ना गिर जाएं, और लैम्ब इतना तगड़ा हो जाए कि वो टाइगर को खा जाए। क्योंकि ऑन्टोलॉजी जो आपका जो तत्व है, तात्विक का आधार जो है, अगर उसमें भेद है तो आपका संवाद नहीं हो सकता। कहाँ संवाद होगा, कैसे होगा? वो एक 16वीं शताब्दी के पर्शियन कवि हैं पंजाब के, वो कहते हैं कि मेरे बुत खाने मंदिर, मेरे बुत खाने की ताकत देखो कि टूटने पर भी खुदा का घर रहता है, मस्जिद बन जाती है। मेरे बुत खाने की ताकत देखो, टूटने पर भी खुदा का घर रहता है। तो इतना दर्द ओल्ड टेस्टामेंट में डिस्क्राइब्ड है। जब यहूदियों का मंदिर सोलोमन्स टेंपल तोड़ा गया, पूरा वर्णन है कि वो जैसे सब खड़े हैं यहूदी लोग, तो उनकी क्या दुर्दशा हुई। तुलसीदास जी ने कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, लोग कहते हैं ये हमारे JNU के इतिहासकार जो थे कहते थे कि अगर बाबर ने राम मंदिर तोड़ा होता तो तुलसीदास जी ने तो वर्णन किया होता। उन्होंने तो नहीं किया, गलत कहते हैं, उन्होंने किया, रामचरितमानस में नहीं किया। रामचरितमानस में तो राम ही है, वो तो राममय है। पर उनकी एक और रचनावली है जिसमें उन्होंने लिखा है, और उनकी भाषा वही है जो ओल्ड टेस्टामेंट में सोलोमन के, किस प्रकार जो हिंदू देख रहे थे जब वो मंदिर टूटा और कितना अत्याचार हुआ और कितना संहार हुआ, उन्होंने वर्णन किया हुआ उसका। तो एक के बाद एक, 2001 में, 11 में, 1 में, वो जब ट्रस्ट टूटे थे ना टावर सर अमेरिका के, तो मैं 2002 में गया था वहाँ, तो मैंने कहीं एक इसी तरह संगोष्ठी में कह दिया कि अरे आपका तो एक टूटा, आप इतना रोना रो रहे हो, हमारे तो हजारों टूटे। उसके बाद वो जितने पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी बाद में, क्योंकि इट वॉज ए टैबू सब्जेक्ट, टैबू सब्जेक्ट, ये बात नहीं करनी आपने। तो ये जो गॉड नेचर, शिकारी संस्कृति, शिकार, हम बचे खुचे हिंदू, बचे खुचे पेगन हैं, द ओनली पेगन्स लेफ्ट। पेगन, पेगन, पेगनिस्टिक्स इज अ साइंस। पेगन्स का उनका अर्थ, जब रोमन्स क्रिश्चियन हुए ऑगस्टस, तो उन्होंने कहा ये पेगन्स हैं। वो आपने बताया कि सब तोड़ दो इनकी मूर्तियां, पर एक फ्रीडम ऑफ माइंड, एक्लेक्टिसिज्म, सब सब ठीक है। आप कहते हो ये भी ठीक है, आप अपना रास्ता चुनिए, हम अपना रास्ता चुनते हैं, ये संस्कृति। दो मिनट पाँच मिनट और करूं बस फिर, क्योंकि बातें तो छोड़ ही दूँ। हमारी बेटी हमेशा कहती है पापा तुम बहुत बोलते हो, अब हम नहीं बोलेंगे। एक क्विकली गिना देता हूँ सर, प्रवृत्तियाँ जिनके कारण हमारी विखंडित चित्त भूमि है। अगली है प्रकृति की, सर ने जिक्र किया है नेचर का। डिकार्ट कहता है बेंड नेचर टू मैन्स पर्पस। नॉलेज का गोल क्या है? नेचर को तोड़ना इंसान की सुविधा के लिए। सर ने जैसे कहा हमारी तो वो माँ है, गोद में रहते हैं। हमारे दादाजी शाम को किसी पौधे को हाथ लगाना, फूल को, तो कहते थे इधर आ, वो आराम नहीं करता, वो भी सो रहा है। तो ये बिल्कुल अलग। अगला विश्व दीजिए मैन, वो भी बता दिया, वहाँ फॉलन क्रीचर है। इसलिए पूरी वो डार्विनिज्म जो है ना, डेवलपमेंट, विकास, वो फॉलन क्रीचर से आती है, हमारे नहीं है। तीसरा, मैन इन रिलेशन टू अदर बीइंग्स। हम तो श्रृंखला 184,000 में एक लिंक हैं। हम नहीं कभी भी कहते कि कॉकरोच को जिंदा रहने का क्या हक है। कॉकरोच क्यों, कॉकरोच क्यों रहे, मारते क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो आम सब्जी वाले भी सुबह सब्जी लाते हैं और वहाँ चूहे होते हैं। पनीर 200 ग्राम छोटे छोटे काट के बुजुर्ग लाला जी
वो कटा काट के खिलाते हैं, चूहे इकट्ठे हो जाते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। तो मैंने एक बार पूछा, अरे आप इनको, बोले ऐसा है ना, इनको भी तो भूख लगती है, अब ये खाएंगे ना, अब ये कुछ नहीं करेंगे, अब दिन भर नहीं कुछ करेंगे। अब ये चिंतन बिल्कुल हमारे यहाँ तो वो मशीनें बन गई ना, फुस फुस, मक्खी आ गई मार दो, मच्छर आ गया मार दो। हमारे ये विखंडित है, एक तरफ हमारे लोग हैं जो शाम को आटा और चीनी मिला के चींटियों के लिए डालते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो वो पॉइजन लेके एक मक्खी भी आ जाए, मच्छर भी आ गए, उसको भी जिंदा नहीं रहने देते। ये कहाँ से आया? 3-4 साल पहले उत्तराखंड में एक रीछ छोटा आयु का नदी में स्नान कर रहा था, कुछ नहीं कह रहा था, वो जीन्स पहने हुए कुछ यंग मैन ने देखा और हल्ला मचाया, लाठियां लेके 150 आ गए, पीट पीट के मार डाला। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमने सीखी है, ये हमारी विखंडित चित्त है। केरला में एक गांव में एक गर्भवती वो टाइग्रेस पैंथर बाघ, गर्भवती बाघ थी, वो आ गई गांव में गलती से, क्योंकि हम ही उनके जंगलों को काट रहे हैं ना, वो तो हमारे शहरों में ना तोड़ रहे, तो वो आ जाते हैं, तो वहाँ भी पीट पीट के मार डाला। ये हमारे यहाँ नहीं होता था। नाग आप तो सब जानते हैं कि सांप को नाग निकलता था तो दूध पिलाना, नाग को अभी भी गांव में हमारे हरियाणा में देखा कि अभी भी नाग सांप निकलता मारते नहीं है, मारते नहीं सांप को। तो जब JNU में एक बार सांप निकला बायोटेक्नोलॉजी में, तो जितने टीचर, हल्ला मच गया, दो वर्गों में बट गए। जो तो वेजिटेरियन टीचर थे वो कह रहे मार डालो, जो नॉन वेजिटेरियन थे वो कह रहे इसको बाहर निकाल दो, ये बड़ी विडंबना की बात है कि वेजिटेरियन टीचर मार डालो, क्योंकि अब हम वो रहे नहीं ना जो हम हैं। वो खुशवंत सिंह कहानी, मार का विष्णु, ओके, कोबरा का जो होता है वो मार का विष्णु, और वो कहता है कि एक ब्राह्मण कोबरा से ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप ये मानने लग गए जिन ब्राह्मणों के कारण आपके ग्रंथ हजारों साल की उत्पीड़न के बावजूद अभी भी आपके पास हैं, वो ब्राह्मण ना होते तो आपकी बौद्धिक परंपरा शाश्वत गंगा प्रवाह ना होती, पर क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि ये पंडित परंपरा से, ब्राह्मणों के अपोजिशन से ही ये देश, अपोजिशन जो होती है, विरोध जो होता है, उसके कोर में यही है, तो एंटी ब्राह्मणिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी, ये उनका वो जो पुना के स्कॉलर जिनकी लाइब्रेरी भी है, हाँ जी, उनका आर्टिकल है कि जानबूझ के उन्होंने एंटी ब्राह्मणिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाया। और हम तो क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, हमारा तो काम है ब्राह्मणों की रक्षा करना, इसलिए हम तो उनके फेवर में बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने ही इस देश को बचाया है। एक गांव में सर, जसोला गांव है दिल्ली में, ये बात होगी 77 की, हम घूम घूम के कुछ भाषा का कर रहे थे, नंबरदार थे जाट, उनको मैंने पूछा कि बताइए, बुजुर्ग थे, कि अब रंग ढंग क्या है जिंदगी के? बोले सब रंग ढंग बिगड़ गया, खत्म, खराब हो गए। हमने कहा जी क्यों हुए? बोले एक तो तुम पंजाबी आ गए यहाँ दिल्ली में पाकिस्तान पार्टीशन के बाद, और उससे भी बड़ी बात, जब से ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया इस देश का रंग ढंग बदल गया, विकृत हो गया। एक जाट कह रहा है ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया, अब शर्मा शू शॉप है, शर्मा पकौड़ा शॉप है, तो जात पात कहाँ रही? कास्ट सिस्टम अब नहीं है, कास्टिज्म बहुत हो गई। पहले कास्ट सिस्टम था पर कास्टिज्म नहीं थी, अब कास्ट सिस्टम नहीं है, कास्टिज्म बहुत है। तो इसलिए ये अगला बात है, और देन बहुत बढ़िया बातें हैं। काल की बात लीजिए, सर ने बताया लीनियर सिक्लिकल, लीनियर में प्रोग्रेस होती है, लीनियर में फ्यूचर होता है, लीनियर में पास्ट होता है, साइकिल में कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, वो एक चक्र है। और इसलिए हमारे यहाँ आप वेस्ट में किसी से पूछो पहले अच्छा था कि अब अच्छा है, सब कहेंगे अरे पहले तो बिल्कुल खराब था, अब देखिए कितना बढ़िया, पक्की सड़कें हैं, सेंट्रल हीटिंग है। वेस्ट का आदमी कहेगा पहले खराब था अब अच्छा है। किसी भी हिंदुस्तानी को पूछिए
पहले ठीक था कि अब कह रहे अब तो सब खराब हो गया, पहले बढ़िया था, उलट है। क्यों? क्योंकि वो चक्र है ना युगों का, हम सोचते जितनी जल्दी खराब होगा फिर सतयुग आएगा। पैसिमिज्म नहीं है ये कि फिर बदलेगा समय, समय बदलेगा तो समय बदलने, ये ऑप्टिमिज्म है। इसलिए हमें चिंता नहीं है जो वेस्ट को है। वेस्ट को दो चिंताएं हैं, एक तो सेकंड कमिंग कि कोई ना कोई मसीहा आएगा तब हमें बचाएगा, और दूसरा आर्मेगेडॉन, इतना भयंकर होगा, युद्ध होगा कि सब नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी बचाने की हमने बात कही। एक बार एक संगोष्ठी दिल्ली में भी हो रही थी, छोटी सी, हम बड़े छोटे थे आयु में भी, बड़े बड़े लोग थे, तो उनके कहने पर मुझे कहा आप बोलिए। तो मैंने कहा मुझे बताइए आपको चिंता इंसान की है कि पृथ्वी की? बोले पृथ्वी की। तो मैंने कहा फिर इंसान को हटा दीजिए, पृथ्वी अपने आप बच जाएगी। क्योंकि पृथ्वी का नुकसान खासकर पढ़े लिखे इंसानों ने किया, पढ़े लिखे इंसानों ने। आदिवासियों के जंगल तो पढ़े लिखों ने काटे, आदिवासी तो नहीं काटते। तो ये टाइम का एक खत्म करता हूँ, फिर और भी दो चार छोड़ के, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एकाग्र चित्त हमारे यहाँ माना जाता है, एकाग्र चित्त। आजकल क्या हो गया है कि एकाग्रता है पर अब वो एकाग्रता अर्थ प्रधान है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म और मोक्ष की ब्रैकेटें तो गई, अर्थ और काम, एकाग्र चित्त जो है वो अर्थ और काम पे लगा हुआ है, अब मोक्ष पे नहीं लगता है। तो इस कारण जो विकृतियां समाज में आ रही, पर इस देश की एक अपनी डायनामिज्म है इन लोगों में। इस देश, ये देश 5000 साल से एक ही सभ्यता है जो जीवित रही। अगर इसमें इतनी बुराइयां होती जितनी लोग गिनाते हैं तो जीवित नहीं रहती। मैं अपने बच्चों से कहता था कभी ये भी तो सोचो वो क्या कारण है कि जो इकबाल ने तो उर्दू में कहा कुछ बात है कि हस्ती मिट, वो बात क्या है वो भी तो देखो किन कारणों से हमें। उसका एक कारण है हमारा ज्ञान केंद्रित होना, ज्ञान की सबसे ऊपर, और दूसरा त्याग की श्रद्धा, त्याग के तरफ श्रद्धा। अगर योगी या मोदी को लोग वोट देते हैं क्योंकि ये त्याग पुरुष है, इन्होंने छोड़ा हुआ है, ये इकट्ठा करने वाले लोग नहीं हैं, उनको सपोर्ट करें। हमारे यहाँ हम हिंदू लोग सोने को बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि खूब धन हो, हम चाहते हैं हम खूब धन अर्जन करें, खूब सोना लें, पर हम इज्जत श्रद्धा उसकी करते हैं जो इन सब चीज़ों को छोड़ देता है, त्याग कर देता है।